वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस घर से निकलते वक्त ब्लॉग नहीं स्टार्ट कर पाया क्योंकि लेट हो रहा था एग्जाम देने के लिए। तो आज डे टू है मेरा सेमेस्टर एंड सेम का। तो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ दुर्गा भाई देशमुख साउथ कैंपस, अभी जा रहा धौला को, वहाँ से बस मिलूँगा कॉलेज के लिए। चलो बस लेते हैं साइड से। दुर्गा भाई देशमुख से धौला को 1 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है बस लेने के लिए। पहले तो घर से आओ मेट्रो, मेट्रो स्टेशन से मेट्रो लेके आजादपुर, आजादपुर से फिर वहाँ से पिंक लाइन के लिए चलना पड़ता है, वो भी मान के चलो 900 मीटर होंगे। और फिर वहाँ से दुर्गा भाई देशमुख से धौला को पैदल चलना है। दुर्गा भाई देशमुख सब मेट्रो से आते हैं, वहाँ से फिर धौला कुआं पैदल। ये देख लो NHAI वेलकम यू हैव अ सेफ प्लीजेंट जर्नी। अब धौला कुआं पहुँचने ही वाले हैं। ओ भाई VIP वाला लगा दिया लग रहा है। यहाँ पे धौला कुआं में एक दिक्कत है, जब VIP आने रहते हैं ना रोज कोई ना कोई VIP आते रहते हैं, तो यहाँ पे रोक देता है सारे बस का, जितने भी व्हीकल्स हैं सारे रुक जाते हैं। चलो देखते हैं, नहीं यार आज नहीं लगाया, तो बस मिल जाएगा आज। आ गया धौला कुआं बस स्टैंड। अब देखो यहाँ खाली बस है, कोई है ही नहीं आज। हमको लगा फिर भेड़ बकरी के तरह सबको दौड़ दौड़ के बस में सीट लेगा, हमको नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। अब चलते हैं कॉलेज, कॉलेज में जाएंगे पहले आदर्श के घर पे जाएंगे, उसके बाद फिर कॉलेज जाएंगे, क्योंकि कॉलेज जाने में थोड़ा सा टाइम होता है। चलिएगा चलते हैं फिर आदर्श के घर। अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे आदर्श के रूम पे, और देखिए आज का ब्लॉग ये संभालेगा, क्या नाम है जतिन। गाइस इसको वीडियो को एकदम वायरल कर दो और एकदम टॉप नॉच कर दो, पैसे बनाओ खूब। इसको हम इसका दिलाएंगे, इसको हम इसका दिलाएंगे बहुत तगड़ा वाला ज्यादा। ये HOD सर का फेवरेट बंदा फेवरेट। हम लोग का पिन कोड कैसे सेट हो रहा है एग्जाम के लिए देख लीजिए। बताओ अंकित। नहीं बता ना, बता भाई। इससे बोला ट्रू फॉल्स वाला जो है ना, ट्रू होगा तो ये और फॉल्स होगा तो ये। और तू क्या बोल रहा है? और मैंने बोला जो मतलब कि एमसीक्यू जो होता है ना ABCD, उसमें अगर ऑप्शन होगा तो ए पे ये नॉट, बी पे ये, सी पे ये और डी पे आए। तुम क्या बोला? अगर सब पे कोड हैक हो गया तो। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या? मैं बताओ मेरे को क्या बताऊंगा, अगर सब थोड़ा सा नया कोड लेके आओ जो सिक्योरिटी में फायर वॉल लगे रहे, जिसमें फायर वॉल एक नाक चल पीछे देखे कोड है जतिन चौधरी के तरफ भाई। अब हम बताए तो सामने देख सकेला, देखा लेते कुछ नहीं तेरा सामने आई बाबू इसके साथ बाकी ऐसे करता है, पेपर निकालता नीचे पेपर निकालता नीचे देख रहा है। एग्जाम देने निकल गए घर से, देख लीजिए
अब अंकित प्रिपरेशन हो गया ना? नहीं हुआ नहीं हुआ भाई, कभी होता है लड़कों की कोई भी पढ़ाई हुई है आज तक? क्या है नहीं हुई? क्यों नहीं हो रही है पढ़ाई? क्यों नहीं हो रही? एक घंटा पहले लड़के सब बात तो ऐसा है, सीधा क्लियर वर्ड में बोले तो इसको पढ़ने के बाद ना ही हमको 30,000 की नौकरी मिलेगी ना ही छोकरी मिलेगी अच्छी काय के लेकर आई। तो ये तो खाली डिग्री है बाल बच्चे को दिखाने के लिए एक हार्ड डिग्री भरी है। बिना नौकरी बिना छोकरी का तुम बाल बच्चे कहां से लाएगा भाई? ये बताओ क्यों हैक करेगा कहां किसी का? किसी के बच्चे को हैक कर लिया तेरा इसका डाउनलोड करेंगे और इसी के अंदर ऐप बनाएंगे। ये सिस्टमैटिक, अच्छा ये सिस्टमैटिक एरर है, सिस्टमैटिक ये सिस्टमैटिक एरर है। ह्यूमन ऐप स्टोर इसको बनाएंगे भाई, मैं अनिक को अनिक ऐप स्टोर बनाएंगे। अच्छा उसका दाढ़ी नहीं है, सही बात है। ऐप स्टोर माने एप्पल का। एप्पल चश्मा गर्म हो गया गर्मी गाइस है ना, हम लोग आपके लिए गाइस एग्जाम नहीं जाते हैं तो हम एग्जाम नहीं जाते। कल जैसे कि कल की वीडियो में बताए थे वैसे आज की वीडियो में बताते हैं गाइस कि हम एग्जाम नहीं जाते ही नहीं, हम आपके वैसे एग्जाम नहीं जाते हैं कि आपको नए नए कॉन्टेक्ट मिले और आप बहुत प्रसन्न हो। अरे हम लोग फॉलो करें, आओ इधर देखो एक दोस्त मिले गमछी लगते हुए। कट कट दी जाती है क्योंकि हम गाली भी देते हैं, लेकिन हम मैं नहीं देते, ये सारे बच्चे देते हैं। मैं तो बहुत सुधार सुधार भाई, आप वोट करिए मैं आपको अपील दूंगा। अपील दोगे किसी मजा आया उसको वो देखो काला कपड़ा लेके जा रहा है, टीचर को टोटका करेगा। और इनका देखिए क्या सीन है लिखा है गाइस, सच में गाइस आज सच में लिखा है ईमानदारी। कितना नंबर का लिखा है? लिख दिया, लिखा तो पूरे नंबर। चलो ये घर चलो, पूरे 50 नंबर का लिखा है। ए ए अनिक चल घर, चल ले चल ये घर। कैसा गया भाई? ठीक ठाक, बंद करना इसको, बताओ। अरे थोड़ा सा बंद कर तो। सेकंड एग्जाम भी सक्सेसफुली कंप्लीट रहा, घंटा सक्सेसफुली नहीं गाइस, मैंने तो मेहनत किया अपने दिमाग पे, अपने मानसिक संतुलन को कायम रखा है आज गाइस। अच्छा से लिखा है, अच्छा से कुछ नहीं लिखा है। हाँ कुछ अच्छा से नहीं लिखा है, क्यों? कोई बात नहीं, तुम मार लो, कोई बात नहीं, तुम मार ले भाई। यही सब तुम लोग गंदे गंदे विचार अपने दिमाग में रखोगे, यही सब साथ ही रहते गाली देता है। गाली देता है कौन सा, क्या बोल रहा है भाई? हम लोग घर जा रहे थे, हम हमारे दोस्त लोग सब लोग घर जा रहे हैं। तब हम लोग जाते जाते एक बात सोच रहे थे, जतिन बताए क्या सोच रहे थे? जतिन बताओ तो भाई, हमारे ब्लॉग में लड़कियां नहीं है, लड़कियां लेके आओ। साला बोल भी जान बोला भाई, अंकित तू बोल, बजट बढ़ाओ बजट। ऐसा जतिन का कहना है कि हमारा ब्लॉग इस वजह से लोग लाइक नहीं करते, मतलब कि वायरल नहीं होता, सब्सक्राइबर नहीं आते, बिकॉज हमारे टीम में गर्ल्स नहीं है। हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा सामने दिखाओ। बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं स्टॉपेज पे, बस स्टॉप पे। अब अनिक जाएगा अकेले और हम लोग साथ में। क्या क्या बोला? दुखी दुख है जिंदगी, दुखी नहीं कोई बात नहीं, सहारा ले ले। रेंज रोवर पीछे आ रहा है, रेंज रोवर देख भाव में आ गया होगा, भाव में आ गया होगा कि मेरी गाड़ी दिखाई, मेरी गाड़ी दिखाई। बस आ गया हम लोग का, गाइस हम लोग का बस आ गया, बाय करो इसको, चल चल आज। कौन खींचा? तुमने खींचा? गाइस सभी लोग चले गए अपने अपने घर, मैं भी अब घर जाने के लिए रास्ते ही में हूँ, घर पहुँचूँगा, मेट्रो लूँगा। दुर्गा भाई देशमुख आ गया और आज का दिन हुआ ऐसे ही ख़त्म।